रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत, बैंकों में स्थिरता और लचीलापन कायम। जमीन घोटाला मामले में ईडी की टीम ने कारोबारी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को कोलकाता से किया गिरफ्तार, रांची में आज होगी पेशी। गुमला में भीषण सड़क दुर्घटना में 3 महिलाओं समेत 4 की मौत, 4 अन्य घायल, बेहतर इलाज के लिए सभी को लाया गया रांची। और भोपाल में चल रही एसडीएफआई खेलों में झारखंड की सुजाना लकड़ा ने 100 मीटर हर्डल्स में झारखंड को दिलाया पहला गोल्ड। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है, मैं हूं जयलक्ष्मी। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत इस दशक के अंत तक विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। इस दौरान उन्होंने भारत में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का उल्लेख किया। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में औपचारिक स्वागत होगा। इसके बाद राष्ट्रपति अपने समकक्ष सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक के साथ आज प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। इस दौरान भारत और सर्बिया के परस्पर हितों के बारे में बात होगी। इसके अलावा राष्ट्रपति मुर्मू सर्बिया के प्रधानमंत्री और नेशनल असेंबली के स्पीकर के साथ भी मुलाकात करेंगी। माउंट अवाला में एक वीर स्मारक पर माल्यार्पण भी अर्पित करेंगी और उनकी यात्रा का उद्देश्य व्यापार अवसरों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों को प्रोत्साहित करना है। भारत और सर्बिया के बीच ऐतिहासिक मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और राष्ट्रपति का ये दौरा इन संबंधों को और मजबूती देगा। और वहीं इससे पहले कल बेलग्रेड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय समुदाय के साथ संवाद किया। उन्होंने सर्बिया और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र किया। राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच संबंधों में और मजबूती आने की बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस दशक के अंत से पहले विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। भारत और सर्बिया दोनों प्राचीन देश, आधुनिक युग में सर्बिया के साथ भारत के संबंध विशेष रूप से नॉन अलाइन मूवमेंट के संदर्भ में मजबूत हुई। भारत और सर्बिया ने हमेशा एक दूसरे के हितों को समझा है। दोनों देश ने अक्सर प्रमुख क्षेत्रों और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचारों को साझा किया है। भारत के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सहयोग कार्यक्रम में सर्बिया एक महत्वपूर्ण भागीदारी रहा है। आईसीटी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, टेक्सटाइल्स, रूरल डेवलपमेंट, पर्यावरण, लोकतंत्र, योगा और आयुर्वेद के क्षेत्रों में हमारे हाईटेक कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम के तहत कई सर्बियन नागरिक प्रशिक्षण प्राप्त करके लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के नववर्ष पूरे होने पर एक ट्वीट किया है। सभी के लिए सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में प्रधानमंत्री ने कहा, एक स्वस्थ भारत के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की। अब ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इस कल्याण की यात्रा में कोई भारतीय पीछे ना हो। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल अपनी पत्नी मीरा मुंडा और अपने बड़े बेटे सुपुत्र डॉक्टर अभिषेक मुंडा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। यह एक सौहार्दपूर्ण भेंट थी। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। शीर्ष बैंक में रेपो रेट 6.5% पर बरकरार है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है तथा बैंकों में स्थिरता और लचीलापन कायम है। प्राइस इन्फ्लेशन ईज्ड ड्यूरिंग मार्च अप्रैल 2023 एंड मूव्ड इनटू टॉलरेंस बैंड, डिक्लाइनिंग फ्रॉम 6.7% लास्ट ईयर, दैट इज 22-23। हेडलाइन इन्फ्लेशन हाउएवर is still above the target as per the latest data and is expected to remain so according to our projections.
for 23-24. So when I say headline inflation is still above the target, I am referring to headline inflation as per our assessment will remain above 4% throughout 23-24. Therefore, close and continued vigil on the evolving inflation outlook is absolutely necessary, especially as the monsoon outlook and the impact of El Nino remain uncertain. Real GDP growth in 2022-23, on the other hand, turned out to be stronger than anticipated and is holding up well. राज्य के नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने सभी नगर निकायों को निर्देश दिया कि अगले 10 दिनों में नाले नालियों की तलहटी से सफाई कराई जाए। श्री चौबे ने कहा कि बरसात शुरू होने वाली है, ऐसे में नाले नालियां जमा न हो। सचिव ने नगर विकास एवं आवास विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिया। श्री चौबे ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कार्य प्रगति में बदलाव लाई जाए। उन्होंने कहा कि टीम गठित कर लाभुकों से आवेदन लिए जाएं। श्री चौबे ने कहा कि रांची में आवासों की कमी नहीं होने दी जाएगी, लगभग 10,000 लोगों के लिए आवास बनाया जाएगा। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कल शहर में निर्माणाधीन 3 फ्लाईओवर सह एलिवेटेड कॉरिडोर का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति का जायजा लिया। मौके पर श्री सिन्हा ने इन परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित जमीन से कब्जा नहीं छोड़ने वालों को बलपूर्वक हटाने का निर्देश दिया। उन्होंने अभियंताओं को काम में तेजी लाने का भी निर्देश दिया ताकि समय पर काम पूरा हो सके। रांची के वरियातो स्थित सेना की जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले में ईडी ने कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को गिरफ्तार किया है। दोनों की गिरफ्तारी कल रात कोलकाता से हुई है। इससे पहले दोनों से लंबी पूछताछ की गई। जांच एजेंसी आज रांची स्थित ईडी की विशेष अदालत में पेश कर रिमांड देने का आग्रह करेगी ताकि जमीन घोटाले में दोनों से पूछताछ की जा सके। अवैध बालू उत्खनन एवं परिवहन के खिलाफ खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। खूंटी जिले के जरियागढ़ क्षेत्र में छापेमारी कर बालू लदे 3 हाईवा को जब्त किया गया, जबकि रांची जिले के तमाड़ क्षेत्र से पुलिस ने अवैध बालू लदे 3 हाईवे को जब्त किया है। सभी गाड़ियों पर 700 से 900 सीएफटी बालू लोड था। पदाधिकारी के द्वारा, डीसी सर के द्वारा, एसएसपी सर के द्वारा, अन्य पदाधिकारियों के द्वारा हमेशा अवैध माइनिंग को लेकर हमेशा नकेल कसने पे निर्देश दिए जाते रहे हैं। उसी क्रम में लगातार इस बालू के, अवैध बालू के माइनिंग और उसके भंडारण और उसके परिवहन पे छापेमारी की जा रही है। उसी क्रम में कल देर रात टीम के द्वारा छापेमारी की गई थी, जिसमें कि 3 हाईवा बालू देवरी मंदिर के आसपास जब्त किया गया है। झारखंड उच्च न्यायालय के पुराने भवन में अब आखिरी 2 दिनों की सुनवाई होनी है। कल अंतिम सुनवाई के बाद इस भवन से सभी विदाई ले लेंगे। पुराने भवन में अभी ग्रीष्मकालीन अवकाश बेंच बैठ कर रही है और अत्यंत जरूरी मामलों की सुनवाई हो रही है। ग्रीष्मावकाश के बाद 12 जून से धुरवा स्थित नए हाईकोर्ट भवन में सुनवाई शुरू होगी। कुछ दिनों पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाईकोर्ट के नवनिर्मित भवन को राष्ट्र को समर्पित किया था। बेंगलुरु में अंतरिक्ष यान पर आज से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू होगा। एजेंसियों, स्टार्टअप, उद्योग और शिक्षाविदों को एक साथ लाना है। सम्मेलन के दौरान अंतरिक्ष मिशन संचालन प्रबंधन, उन्नत अंतरिक्ष मिशन डिजाइन, स्वचालन, बड़े तारामंडल प्रबंधन, ग्राउंड स्टेशन संचालन में वर्तमान और भविष्य के रुझान जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में इसरो, इन स्पेस, ईएसए, सीएनईसी, नासा जैसे विषयों पर विचार रखे जाएंगे। वहीं अन्य विषयों में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन ऑपरेशन मैनेजमेंट, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन और सैटेलाइट डेटा हैंडलिंग प्रोसेसिंग और एप्लीकेशन जैसे विषय शामिल हैं।
खूंटी के उपायुक्त शशि रंजन और सीसीएल के निदेशक हर्षनाथ मिश्रा ने संयुक्त रूप से जियारप्पा ग्राम में संचालित बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिसर्च सेंटर में ओपीडी का उद्घाटन किया। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिसर्च सेंटर में एक नर्सिंग कॉलेज के साथ मरीजों के लिए 550 बेड वाले अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा। इस अस्पताल में मरीजों के लिए सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। एक जगह स्थिर रहो ना भैया, स्थिर रहेंगे कैसे, सेट नहीं करे भैया। गेम जो मेरे को कोई छोटी जिले के लिए खास हेल्थ सेक्टर में पर्टिकुलरली जब जो लोग रांची जाया करते थे, आई थिंक कि इसके बनने के बाद रांची से लोग यहाँ आया करेंगे, जिस तरह की मेडिकल फैसिलिटीज लोग यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। साथ में हमारे जो बच्चे हैं, हमारे कठुआ के बच्चे और हमारे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं जो नर्सेज की ट्रेनिंग लेते हैं या अदर जी एन एम की ट्रेनिंग लेते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एवेन्यू हो जाएगा जहाँ इनको प्रायोरिटी बेसिस पर भी नौकरी मिल सकेगी। दूरदर्शन की पहली अंग्रेजी न्यूज एंकरों में से एक गीतांजलि अय्यर का कल निधन हो गया। गीतांजलि अय्यर ने 30 से अधिक वर्षों तक दूरदर्शन में एंकरिंग की थी। 90 के दशक की टीवी के सबसे चर्चित चेहरों में से एक, गीतांजलि की साड़ी के साथ मॉडर्न लुक उनकी विशेष पहचान थी। न्यूज रीडिंग के साथ साथ अपने अनोखे हेयर स्टाइल को लेकर भी गीतांजलि अय्यर प्रसिद्ध थी। 1971 में वह अंग्रेजी एंकर के तौर पर दूरदर्शन में शामिल हुई। वह दूरदर्शन की पहली अंग्रेजी प्रस्तोता थी। अपने करीब 30 साल के टीवी पत्रकारिता के कैरियर में उन्होंने कुल 4 बार बेस्ट एंकर पर्सन का अवार्ड भी जीता था। दूरदर्शन के नेशनल होने और 1982 में एशियाई खेलों के बाद उन्हें देश और विदेश में खासी पहचान मिली। दिवंगत अय्यर कई प्रिंट विज्ञापनों का चेहरा भी रही। उन्होंने धारावाहिक खानदान में भी अभिनय किया था। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एंकर गीतांजलि अय्यर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, वह दूरदर्शन और आकाशवाणी पर बेहतरीन अंग्रेजी समाचार एंकरों में से एक थे। उन्होंने अपनी अनूठी आवाज से पत्रकारिता जगत में विश्वसनीयता और व्यावसायिकता के साथ प्रसारण क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ी। अनुराग सिंह ठाकुर ने उनके परिवारों और प्रियजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। 90 के दशक की टीवी के सबसे चर्चित चेहरों में से एक, गीतांजलि की साड़ी के साथ मॉडर्न लुक उनकी विशेष पहचान थी। खूंटी प्रखंड अंतर्गत अरगोड़ा में एक पुल का निर्माण कार्य चल रहा है और अप्रोच सड़क से जोड़ने की प्रक्रिया भी पूर्ण की जा रही है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि पुल के निर्माण में अनियमितता बरती जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार 10 वर्षों में यह पुल 3 बार टूट चुका है। इधर ही से लेना। जो गढ़वाल अभी रास्ता को देखा जाए तो पुल में सीधा होना चाहिए, और अभी देखिए अभी अगर गांव वाला लोग का कहना है कि यदि गढ़वाल सीधा नहीं होगा तो आदमी एक्सीडेंट होने का पूरा संभावना है। मजबूती भी अच्छा से नहीं बन रहा है, प्लस जैसे यहाँ का लोकल आदमी से जैसे ग्राम सभा करके या तो गांव के आदमी से पूछ के नहीं बना। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने विधानसभा की नवगठित समितियों के सभापतियों के साथ बैठक की। समितियों के गठन के बाद यह पहली बैठक थी। इसमें समितियों की अनदेखी पर चर्चा की गई। झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ धर्मेंद्र कुमार सिंह को बनाया गया है। राज्यपाल की प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दिया है। वे वर्तमान में बीआईटी सिंदरी में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। आजसू पार्टी राज्य के सभी प्रखंडों में 9 जून को धरती आबा बिरसा मुंडा की शहादत दिवस मनाएगी। आजसू पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉ देवशरण भगत ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की प्रेरणा से हम संघर्ष के रास्ते पर चलते रहेंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर प्रखंड के देवगांव में शिक्षा देने के नाम से धर्मांतरण करने का मामला प्रकाश में आया है। इस क्रम में युवकों ने धर्म प्रचार करने आए युवक युवतियों को धर दबोचा। इसकी सूचना मिलते ही चक्रधरपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और धर्म प्रचार करने वाले युवक युवतियों को चक्रधरपुर थाना ले गई। रांची के कांके थाना क्षेत्र स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की वाणिकी संकाय में काम करने वाली एक युवती से छेड़छाड़ करने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में युवती ने कांके थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।
धनबाद में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को देखते हुए अब व्यापारियों ने भी जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। धनबाद मोटर्स डीलर्स एसोसिएशन के बैनर तले व्यापारियों ने कानून व्यवस्था को लेकर धरना प्रदर्शन किया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंजतबेड़ा पटा तारोप के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने 4 आईईडी और एक 20 किलो का पाइप बरामद किया है। गुमला पुलिस ने करौंदी के समीप हथियारों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 4 पिस्तौल, 1 रिवॉल्वर, 11 मैगजीन और 12 जिंदा गोली बरामद किया है। एसीबी की टीम ने धनबाद महिला थाने में तैनात एक एएसआई को 4,000 रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एएसआई केस डायरी मैनेज करने के एवज में रिश्वत ले रहा था। कोडरमा वन विभाग की टीम ने डोमचांच रेंजर रविन्द्र कुमार के नेतृत्व में डिबरा लदा एक ट्रक और एक जीप को जब्त किया है। हालांकि इन दोनों मामलों में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दोनों गाड़ियों में 10 टन डिबरा लोड था जिसकी कीमत 4 लाख रूपये से अधिक बताई जा रही है। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के मंत्री ब्रह्माजी राव ने कहा कि विद्या अथवा ज्ञान अर्जन के कई उपक्रम हैं जिसमें सबसे बड़ा साधन अभ्यास है। पुस्तक में पढ़ना या भाषण बौद्धिक सुनने से तात्कालिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन आजीवन जीवन में आत्मसात करने के लिए सतत अभ्यास जरूरी है। वे आचार्यों के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से भोपाल में 66वां नेशनल स्कूल गेम्स आयोजित किया जा रहा है। इसमें एथलेटिक्स में आज 100 मीटर हर्डल्स स्पर्धा में सुजाना लकड़ा ने गोल्ड मेडल जीत लिया। सुजाना लकड़ा रांची स्थित साई में प्रशिक्षण लेती हैं। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहलवानों को आश्वासन दिया कि भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण सरन सिंह पर लगे आरोपों की जांच इसी महीने की 15 तारीख तक पूरी कर ली जाएगी और चार्जशीट दाखिल की जाएगी। हुआ है और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक कराया जाए। खिलाड़ियों की ये भी मांग थी कि बृजभूषण शरण सिंह और उनसे संबंधित लोग कुश्ती महासंघ में चुनकर न आए और जब तक फेडरेशन के चुनाव नहीं होते हैं तब तक आईओए की एडहॉक कमेटी के लिए 2 कोच का नाम प्रस्तावित किया जाए। खिलाड़ियों ने महिला खिलाड़ियों को सुरक्षा दिए जाने और अखाड़ों, कोच और खिलाड़ियों के खिलाफ मुकदमे वापस लिए जाने का भी अनुरोध किया है। जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी रेसलिंग फेडरेशन की बनाई जाए और उसकी अध्यक्षता कोई महिला करे। जब तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव नहीं होते तब तक आईओए की एडहॉक कमेटी पर 2 कोचेस का नाम प्रस्तावित किया गया है, उसका क्योंकि टेक्निकल भी उसमें दिक्कतें बहुत आती, इसलिए सुझाव दिए गए कि 2 कोचेस को उसके ऊपर रखा जाए उस कमेटी में। और जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव हों वो एक अच्छी फेडरेशन के रूप में चले, अच्छे पदाधिकारी उसके चुन के आए, उसके लिए खिलाड़ियों से रायशुमारी हो। सरकार ने बड़े खुले मन के साथ सभी विषयों पर पहले भी और अब भी गंभीरता से बातचीत भी की है और इन बातों पर, क्योंकि अभी सब प्लेयर्स ने भी और कोचेस भी जो आए थे और उनके साथ जो बाकी सदस्य आए थे उन्होंने बहुत पॉजिटिव बातचीत की है और वापस जाकर भी वो अपने समर्थकों के साथ इस बात को रखी। पलवान बजरंग पुनिया ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि सरकार के इस पहल की सराहना की है। खेल मंत्री जी के साथ 15 जून तक जो पुलिस की जो कानून का जो पुलिस की प्रक्रिया चल रही है वो पूरी करने की बोली है और उन्होंने बोला कि 15 तारीख तक आप कोई भी प्रोटेस्ट ना करें। तो हमने जो उन्होंने प्रपोज कुछ बिंदुओं पे बात हुई कि खिलाड़ियों का सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, महिला खिलाड़ियों का भी और पुरुष खिलाड़ियों का भी, और जितने भी केस खिलाड़ियों के ऊपर हुए हैं वो वापिस लिए जाएंगे
तो वो चीजें सरकार ने मानी है, जो हमारे साथ बातचीत हुई है वो हम जो अपने जो हमारे समर्थक हैं, जितने भी हमारे साथ संगठन जुड़े हैं, चाहे वो महिला संगठन है चाहे वो किसान संगठन है, हम सब के सामने वो प्रस्ताव रखेंगे। लंदन के ओवल में भारत के साथ विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप फाइनल के दूसरे दिन आज ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में कल के स्कोर 3 विकेट पर 227 रन से आगे खेलेगा। स्थान पर 327 रन बना लिए हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मोहम्मद सिराज ने उस्मान ख्वाजा को शून्य पर आउट कर भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई। डेविड वार्नर 43 रन बनाकर शार्दुल ठाकुर का शिकार बने। मानस लबुशेन को 26 के स्कोर पर मोहम्मद शमी ने आउट किया। हालांकि इसके बाद ट्रेविस हेड और स्टीवन स्मिथ के बीच 251 रनों की साझेदारी देखने को मिली। ट्रेविस हेड ने अपना शतक पूरा किया। वो आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने। दिन का खेल खत्म होने तक स्मिथ 95 और हेड 146 रन बनाकर नाबाद रहे। राज्य में लोगों को गर्मी से फिलहाल राहत मिलने के कोई संकेत नहीं है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आने वाले 5 दिनों तक गर्मी का सितम जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि कई जिलों में गर्म हवाओं और लू का असर भी दिखेगा। श्री आनंद ने बताया कि कुछ इलाकों में बादल छाए रहेंगे लेकिन पसीने वाली गर्मी भी लोगों को सताएगी। अरब सागर में उठा इस वर्ष का पहला चक्रवात विपर्जॉय तेजी से तीव्र होकर अत्यधिक प्रचंड तूफान में बदल गया है। में ये तूफान उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। हालांकि अभी तक भारत, ओमान, ईरान और पाकिस्तान सहित अरब सागर से सटे देशों पर इसके किसी भी बड़े प्रभाव को लेकर कोई पूर्व अनुमान नहीं लगाया गया है। इस साल अरब सागर में आया ये पहला चक्रवाती तूफान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक ने बताया कि कल तक केरल में मॉनसून के प्रवेश करने की संभावना है। हालांकि उन्होंने कहा कि यह 8 दिन लेट है। जो ये तूफान बना हुआ है तो इसका मुख्यतः प्रभाव अभी फिलहाल जो है समुद्री एरिया में है, लेकिन जो मानसून की बात करते हैं तो केरला में 48 घंटों के अंदर हमारे पास संभावना बन रही है कि कंडीशन फेवरेबल है और हो सकता है कि ऑनसेट हो जाए। मानसून का प्रोग्रेस होता है वो आपका विंड पैटर्न पे और आगे जैसी रेनफॉल होती है उस पर डिपेंड करता है। जहां तक नॉर्थ की बात करते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमारे पास लगभग 22 जून तक मानसून नॉर्मल डेट रहती है और उसके बाद जो दिल्ली तक पहुंचते हुए लगभग 29 जून हमारे पास रहती है। तो आप देखेंगे कि जब केरला में ऑनसेट होता है जो नॉर्मल डेट रहती है 1 जून, उसके बाद से लगभग 1 महीने का टाइम रहता है। तो फिलहाल दिल्ली के लिए या उत्तर प्रदेश के लिए थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ेगा। आज विश्व महासागर दिवस है। प्रत्येक वर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। साल विश्व महासागर दिवस की थीम प्लैनेट ओशन टाइड्स आर चेंजिंग है। विश्व महासागर दिवस मनाने का प्रमुख उद्देश्य विश्व में महासागरों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। इसके अलावा महासागर से जुड़े पहलू जैसे खाद्य सुरक्षा, बायोडायवर्सिटी, परिस्थिति से जुड़े संतुलन और जलवायु परिवर्तन पर प्रकाश डालना है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विश्व महासागर दिवस के अवसर पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अगुवाई में विभिन्न संगठन चेन्नई में न केवल समुद्र तटों को साफ करने के लिए एकत्रित हुए हैं बल्कि ये संदेश भी दे रहे हैं कि कैसे हमारे महासागरों और तटीय क्षेत्रों को स्वच्छ बनाए रखा जाए। ऑन दिस वेरी इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ओशन डे, हाउ टू कीप आवर बीचेस क्लीन, हाउ टू मेक द एंटायर कोस्टल लाइन्स, एंटायर कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया क्लीन एंड ऑल्सो sustainable and also to ensure that all our activities are very friendly to the lives which are existing in the ocean, because the lives in ocean is directly connected with the lives of the human being offshore, onshore, we are connected to each other. और अब देखते हैं कारोबार जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। बुधवार को कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन शेयर बाजार हरे निशान के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 350 अंक चढ़कर 63,143 पर, वहीं निफ्टी
27 अंक छोड़कर 18,726 पर बंद हुआ। जिन शेयर्स में तेजी देखी गई उनमें ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, बीपीसीएल, नेस्ले इंडिया और एचडीएफसी लाइफ के साथ हिंडाल्को शामिल रहे। तो दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने आज एक्सीडेंटेड वारंटी प्लस प्रोग्राम को लॉन्च किया, जिसमें ग्राहक को 10 वर्ष तक एक्सीडेंट वारंटी का लाभ मिल सकेगा। प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन ने भारतीय यूजर्स के लिए अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फीचर पेश किया है। क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस पर मुकदमा करने के एक दिन बाद यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने बुधवार को कोइनबेस पर अपने क्रिप्टो एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को एक अपंजीकृत राष्ट्रीय प्रतिभूति विनिमय ब्रोकर और क्लियरिंग एजेंसी के रूप में संचालित करने का आरोप लगाया। भारत अमेरिका सामरिक व्यापार वार्ता की पहली बैठक मंगलवार को वाशिंगटन डीसी में आयोजित की गई। बैठक में विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। वहीं अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का सह नेतृत्व अमेरिकी वाणिज्य विभाग में उद्योग और सुरक्षा के अंडर सेक्रेटरी एलन एस्टवेज और अमेरिकी विदेश विभाग में राजनीतिक मामलों के अंडर सेक्रेटरी विक्टोरिया नूलैंड द्वारा किया गया। इस दौरान सेमीकंडक्टर्स, अंतरिक्ष, दूरसंचार, क्वांटम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और बायोटेक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकियों में विकास और व्यापार को सुगम बनाने के तौर तरीकों पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने कार्यशालाओं और अन्य गतिविधियों के माध्यम से निर्यात नियंत्रण प्रणाली के बारे में उद्योग, शिक्षा जगत और अन्य संबंधित पक्षों के बीच जागरूकता बढ़ाने का फैसला किया। इसके अलावा दोनों देश एक नियमित निगरानी समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए, जो द्विपक्षीय उच्च तकनीक व्यापार और टेक्नोलॉजी को लेकर साझेदारी में सहयोग को गहरा करने में प्रगति की समीक्षा भी करेगा। भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक सामरिक साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से बातचीत जारी रखने पर भी सहमति बनी। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है डीडी न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव, रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत, बैंकों में स्थिरता और लचीलापन कायम। जमीन घोटाला मामले में ईडी की टीम ने कारोबारी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को कोलकाता से किया गिरफ्तार, रांची में आज होगी पेशी। गुमला में भीषण सड़क दुर्घटना में 3 महिलाओं समेत 4 की मौत, 4 अन्य घायल, बेहतर इलाज के लिए सभी को लाया गया रांची। और भोपाल में चल रही SGFI खेलों में झारखंड की सुजाना लकड़ा ने 100 मीटर हर्डल्स में झारखंड को दिलाया पहला गोल्ड।